7 minutes from class 8th, and I will tell you about something algebraic expression. Close the door and speak loudly. You have full authentication, you can ask the questions also from your topic. But after you like algebraic expression ye wo expression hai jisme variables and constants point k hue hain mathematical operation ke liye isme is algebraic expression mein variables and constants aata hai. Ye variables kya hota hai aur ye constants kya hote hain? Variables ka matlab hai जब वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आपको पता होंगे तो तभी ये डिफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन आपको समझ आएगी. गुड, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आते हैं ये दो मेन है. वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं? वेरिएबल्स हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है. एग्जाम्पल हाइट चेंज होती है. अगर हम अब है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये वो क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल अगर हम इस मार्कर की एग्जाम्पल लेंगे, अगर इस मार्कर की एग्जाम्पल लिमो, अगर ये वरियस थमन लिखे पे पत्थर सो बी गई में वरी या था इसने हाइट गम चेंज किया या था इसने क्या चेंज होम किया, वो इसे कॉन्स्टेंट है. वो इसे कॉन्स्टेंट है. वेरिएबल्स मन जो हाइट, अगर वो वही पांच फुट ये सब जुतो को या बेस वेरिएशन में कुछ बात शापर गुम शी हाइट मसन चेंज शी वेरिएबल्स मन जीवन हाइट या हाइट कॉन्स्टेंट मन जीवन मार्कर बोर्ड चेयर ये सन ये चीज ये यहाँ जी न्यूमेरिकल वैल्यू चु ये चीज चेंज कसन यूजुअली ये चीज यूं कॉन्स्टेंट यूजुअली इन जीवन डिनोट करन न्यूमेरिकल से 1 2 3 इन जीवन यूं से डिनोट करन मुझे वेरिएबल चीज इन जीवन एक्स वाई और ये क्वांटिटी इसमें बयान कर क्वांटिटी क्या गया क्वांटिटी मतलब एनीथिंग इन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म एनीथिंग इन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म वो कोएफिशिएंट द टर्म एसोसिएटेड विद वेरिएबल इज नोन एज कोएफिशिएंट माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज हियर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. दिस इज द कोएफिशिएंट. और जब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे पहले इसमें आता है मोनोमियल. मोनोमियल जो पहला है वो है मोनोमियल. मोनोमियल हम किसको कहते हैं? जिसमें एक ही टर्म आती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल. एग्जाम्पल 2021 दिस इज द मोनोमियल. इसमें एक ही टर्म आती है. और दूसरा है वो है बायनोमियल. बायनोमियल हम किसको कहते हैं? बायनोमियल जिसमें दो टर्म्स आते हैं उसको हम बायनोमियल कहते हैं. एग्जाम्पल 3x प्लस 3y दिस इज द मोनोमियल. इसमें दो टर्म आ गए और इसके बाद है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें तीन टर्म्स आते हैं. एग्जाम्पल 3x प्लस 4y प्लस 5z. इसमें तीन टर्म्स आ गए ना. अगर हम लाइक टर्म्स की बात करेंगे, लाइक टर्म हम किसको कहते हैं? लाइक टर्म हम कहते हैं जिनको एडिशन या जिनको सम होता है उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं. एग्जाम्पल 2x प्लस 2x दिस इज द लाइक टर्म बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम. वेरिएबल्स आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आल्सो सेम. 2 + 2 = 4x दिस इज द लाइक टर्म. अनलाइक टर्म हम किसको कहते हैं? अनलाइक टर्म हम उसको कहते हैं जिसको सम नहीं होता है. एग्जाम्पल अगर
3x प्लस 4y प्लस 5z। इसमें वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y और ये z है ना, वेरिएबल डिफरेंट है, वो हो गया कि ये अनलाइक कर रहे हैं। और इसके बाद है 18 प्लस आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फिर आता है चौथा क्वाड्रिनोमियल वो होता है जिसमें चार टर्म्स आते हैं, एग्जांपल 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7y, ये क्वाड्रिनोमियल है, एक दो तीन चार, इसमें चार टर्म्स आ गए। गुड। और ये क्वाड्रिनोमियल ओके।